सीरीज शुरू करने से पहले लास्ट सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बार रिवाइज कर लें, और इसके बाद जैसे ही हम जो जो पूरे मीनिंग करते जाएंगे, आप जो एक एक मीनिंग नोट करते जाएं, इसके साथ में जो मैं और कोई सप्लीमेंट्री मीनिंग बताऊं उन्हें भी लिखते जाएं, और इसके बाद में जैसे ही सीरीज ख़त्म होती है तो तुरंत जो है पूरा रिविज़न करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, और फिर जब नेक्स्ट सीरीज में आओगे तब फिर से इसका एक बार रिविज़न करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है 421, ठीक है। एनी आइडिया और फ्रेज दैट हैज़ बीन ओवर यूज्ड, कोई भी विचार या कोई भी फ्रेज होता है मतलब कुछ शब्दों से जब मिलके कोई आइडिया देता है ना, कोई व्यक्त होता है कोई आइडिया, तो उसे बोलते हैं फ्रेज। एनी आइडिया और फ्रेज दैट हैज़ बीन ओवर यूज्ड, मतलब ऐसा विचार जिसे कि बार बार यूज़ किया गया है जिसके कारण कि वो घिसपिट गया है, मतलब बहुत ही पुराना आइडिया, ठीक है, तो उसे कहते हैं घिसा पिटा, हैकनेड। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे हम इस घिसे पिटे आइडिया को, जैसे कभी कोई आइडिया लेके आ जाए ना आपके पास किसी भी तरह का, तो आप कहोगे अरे यार क्या घिसा पिटा आइडिया उठा लाया, तो यार ये बकवास आइडिया। ठीक है, तो यानी कि ऐसा आइडिया जिसका कि बहुत बार प्रचलन में आ चुका है, बहुत बार यूज हो चुका है, इसे हम बोलते हैं हैकनेड। इसे कैसे याद रखेंगे कि वो कंप्यूटर आसानी से हैक हो जाते हैं जो कि घिसे पिटे होते हैं, वो कंप्यूटर आसानी से हैक हो जाते हैं ना कंप्यूटर, हाँ, तो उस तरह से याद रखेंगे इसे कि ऐसे कंप्यूटर आसानी से हैक किए जा सकते हैं जो कि हैकनेड होते हैं या घिसे पिटे होते हैं, या घिसे पिटे कंप्यूटर आसानी से हैक किए जा सकते हैं, तो हैकनेड और घिसा पिटा। नेक्स्ट देखो 422, मनी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय जब मनी दी जाती है ना किसी एम्प्लॉई को, ठीक है, उसकी कंपनी द्वारा या जिसने उसे नियुक्त किया था, उस नियुक्तिकर्ता के द्वारा जब उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं मतलब, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रेचुटी। ठीक है, ग्रेचुटी, इसे देखो किस तरह से याद रखेंगे, इसका मतलब होता है भेंट या अनुतोषिक, इसका मतलब ये है कि भाई आप रिटायर हो रहे हो तो जो है कंपनी आपकी सेवाओं से बहुत खुश है, तो जो है हम आपको कुछ जो है ये भेंट देना चाहते हैं, मतलब कुछ पैसे देना चाहते हैं, इसे आप ग्रेचुटी समझो अपनी। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे ग्रेटफुल से, GRATEFUL, अगर नहीं पता तो लिख लो इस शब्द को। ठीक है, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। ठीक है, यानी कि कंपनी बोल रही है कि भाई हम आपके आभारी हैं, हम ग्रेटफुल हैं आपके कि आपने हमें इतनी अच्छी सेवाएं दी, और ग्रेटफुल के कारण ये ग्रेचुटी आपको देते हैं। ठीक है, तो मिलता जुलता है ना ग्रेचुटी और ग्रेटफुल। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है, एक शब्द होता है ग्रेट, GRETE, तो कन्फ्यूज मत हो जाना थोड़ा, इस GRETE इसका मतलब होता है महान। ठीक है, लेकिन वो ग्रेटफुल जो है हमारा दूसरा, GRATEFUL, ग्रेटफुल का मतलब आभारी, तो कंपनी आपकी आभारी इसलिए आपको ग्रेचुटी देती है। दोनों याद हुए, नेक्स्ट देखते हैं 423, ए सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि सारी धरती का केंद्रीय अपने आप को मानता है। ठीक है, मतलब अपने सिवाय उसे कुछ सोचता ही नहीं, और सेल्फिश पर्सन मतलब सिर्फ मेरा भला हो जाए और दूसरे बाहर में जाए, जो इस फिराक में रहता है हमेशा, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इगोइस्ट, अहंकारी या आत्महितेशी, आत्महितेशी कहना ज़्यादा ठीक होगा। नेक्स्ट देखो, दोनों को साथ में याद करेंगे, 424, वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल, ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति कंसिडर करता है, कंसिडर करने का मतलब होता है मानना, कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ अपने आप को कि मैं जो है दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छा हूँ। ठीक है, कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी बेटर और मोर इम्पोर्टेंट, या ज़्यादा महत्व का समझता है अपने आप को देन अदर पीपल, उसे हम बोलते हैं इगोटिस्ट, अहमवादी। अब देखो, जब भी ये शब्द आएंगे ना, या तो इगोइस्ट आएगा या इगोटिस्ट आएगा, तो एक को पूछेगा और दूसरे को भी ऑप्शन में डालेगा, तो इन दोनों में जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है, और यहाँ यही ट्रिक रहेगी हमारी इन दोनों शब्दों को याद करने की, 423 और 424 को, इनका अंतर हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इगोइस्ट तो वो आदमी हो गया जो कि स्वार्थी होता है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है, ठीक है ना, अपना बस काम निकल जाए, ठीक है, मुझे खाने को मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले, मुझे मिलना चाहिए सबसे पहले। और इगोटिस्ट में क्या अंतर है, इगोटिस्ट जो है ना टाक, टी आ रहा है ना इसमें, हाँ बस इस टी से याद रखना, इगोटिस्ट टाक टाक बहुत ज़्यादा करेगा, दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऊँचे ऊँचे बोल बोलेगा, अपने आप के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेगा, तो वैसा आदमी इगोटिस्ट हमेशा जो है अपना महत्व जो है दूसरे के आगे साबित करने के लिए दूसरों की इंसल्ट करेगा, तो इस तरह का आदमी हमेशा ऊंची ऊंची टाक करेगा, इगोटिस्ट। तो इन अंतर को ध्यान देना है, और वो जो प्रश्न आएगा ना आपके, उस लाइन को ठीक तरह से समझना है कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है, स्वार्थी की बात हो रही है आदमी की, ठीक है, अपने खुद के भले की बात हो रही है, या फिर अपने अपने को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की बात हो रही है पब्लिक के सामने, ठीक है, अपने को इंपॉर्टेंट समझने की बात हो रही है, तो ये दोनों का विशेष अंतर रहेगा। ईगो, ईजीओ, ईगो का मतलब तो दोनों में अहंकार होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 425, समथिंग दैट इज नॉट जेन्युइन, कुछ भी ऐसा जो कि वास्तविक नहीं होता, जिनाइन का मतलब क्या होता है, वास्तविक, ठीक है, जिनाइन बंदा यार, वो तो यार क्या जिनाइन आदमी है यार, ठीक है,
समथिंग दैट इज नॉट जेनाइन, तो जो जेनाइन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोनी। हाँ तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसका विलोम हो गया जेनाइन का, ठीक है। फोनी, फोनी का मतलब होता है बनावटी या दिखावटी। तो आज की डेट में हम बोलते भी, अरे यार वो फोनी एटीट्यूड है उसका। फोनी एटीट्यूड है मतलब क्या है कि अरे यार वो जो दिखाता है ना, मतलब ऐसा है नहीं, वो मतलब दिखाता है फोनी। अब देखो इसे फोनी को कैसे याद रखेंगे हम, फोनी को याद रखेंगे हम फोन से, ठीक है। अब देखो हम आजकल फोन पे बातें करते हैं, लोग बागों को बधाइयाँ देते हैं, सब कुछ फोन पे ही कर लेते हैं सिर्फ दिखावे के लिए कि अरे यार बधाई दे देते हैं, चलो फोन करके बता देते हैं। हाँ कुछ अपने दिल से तो आ नहीं रही है बधाई, या किसी की शादी हुई है तो उसको शुभकामनाएं दे रही है, हाँ बस फोन पे कर दिया, तो सब कुछ फोनी हो गया, सब कुछ फोन फोन पे चल रहा है, बस दिखावटी। तो इस तरह से हम इसे ध्यान में रखेंगे, फोनी मतलब बनावटी। नेक्स्ट देखते हैं 426, वन हु स्ट्रांगली अपोजेस टू समवन और समथिंग, कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत पूरी ताकत के साथ विरोध करता है। स्ट्रांगली अपोजेस मतलब पूरी दमदार तरीके से विरोध करता है किसी अन्य व्यक्ति का या किसी वस्तु का, किसी का भी जब कोई विरोध करता है पूरे दमदार तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है विपक्षी। कैसे याद रखेंगे इसे, एंटी एंटा मतलब एंटी में चला गया, वो गोन, गोन का मतलब चला गया, मतलब ऐसी पार्टी जो गोन हो गया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि एंटी में चला गया, एंटी गोन, तो विपक्षी हो गया, ठीक है। अरे यार पहले तो हमारे साथ था वो, लेकिन अब चला गया, वो एंटी में चला गया, गोन, ही हैज़ गोन इन एंटी, अब एंटी में चला गया वो, तो एंटागोनिस्ट विपक्षी, ध्यान रहेगा ना, मिलते जुलते शब्द हैं थोड़े से। नेक्स्ट देखते हैं 427, समवन हु जजेस एंड अंडरस्टैंड्स थिंग्स ईजिली, कोई भी व्यक्ति जो कि फटाफट जज कर लेता है, मतलब है ना, फटाफट जो है अपना निर्णय देख लेता है, मतलब या चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेता है फटाफट देखते ही चीज़ों को, ठीक है ना, या पहचान लेता है कि क्या अंतर है। यहाँ जज करने का मतलब है पहचान लेना, ठीक तरीके से जो है जान लेना या समझ लेना चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फटाफट, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला, परस्पिकेसियस, ठीक है, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, जो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं परस्पिकेसियस। अरे यार वो तो परस्पिकेसियस आदमी है, उसका तो कहना ही क्या यार, कोई भी सवाल दो आप वो चुटकियों में हल कर देता है, या किसी भी उलझन दो वो तुरंत सुलझा देता है, मतलब तो इसका मतलब फटाफट पहचान लेता है, उसकी समझ अच्छी है, उसे हम बोलते हैं परस्पिकेसियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट तो वो हो ही जाते हैं जो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट का सूत्र एकमात्र कि जो भी हमें पता नहीं है वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो परस्पिकेसियस को कैसे ध्यान रखेंगे, ये देखो, एक होता है पिक पॉकेट, पिक पॉकेट किसे कहते हैं, जेब कतरे को, तो इसमें पिक आ रहा है ना PIC, और आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है पर्स, PERS, पर्स, ठीक है। तो वो जो पिक पॉकेट होते हैं ना, जो आपके पर्स को चुरा लेते हैं, पर्स को पिक कर लेते हैं, पर्स को चुरा लेते हैं पिक पॉकेट, तो पर्स को चुराना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसके लिए भी तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, मतलब ठीक है ना, कि एक सेकंड में जो है आपको पता भी नहीं चलता और तुरंत जो है पर्स निकाल लिया, मतलब तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे, पर्स पिक, हमारा पर्स पिक कर लिया, तो उस जिस पिक पॉकेटर ने जो है हमारा पर्स पिक किया ना, वो वास्तव में तीक्ष्ण बुद्धि वाला रहा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलने दिया, हमें तो तब पता चला हम जब घर आ गए, फिर हमें ध्यान रहा कि अरे यार बस में कहाँ पर्स किसने पिक किया, पता नहीं साला कौन सा तीक्ष्ण बुद्धि वाला आदमी था यार वो, ठीक है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे पर्स पिक कैसियस, तो पर्स और पिक, ठीक, इन दोनों शब्दों को दिमाग में जोड़ेंगे और फिर इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 428, ऑफ हैविंग मोर देन वन मीनिंग, कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है जिसके दो या दो से अधिक, एक से अधिक मतलब हो, ठीक है ना, दो या दो से अधिक मतलब हो। अब देखो ये तो फिर पहले भी शायद इस तरह के शब्द आए हुए हैं हमारी सीरीज में, MBI जहाँ लग जाए, इसका मतलब क्या है कि चीज़ें अस्पष्ट हैं, मतलब दो दो दो, MBI, MPBN, MBI, ambiguous, ठीक है, तो ये MBI जहाँ लग जाता है इसका मतलब है दो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, तो एम्बिगुअस मतलब ऐसा कोई शब्द है जो अस्पष्ट है या जिसके दो अर्थ भी हो सकते हैं, मतलब ठीक है ना, कहना बोल तो हमने ये दिया लेकिन उसका एक और कोई अर्थ भी हो सकते हैं, तो इस तरह से एम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा द्विअर्थी या अस्पष्ट। नेक्स्ट देखते हैं 429, ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप दैट ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट एनी होम, ए मेंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है, किसी भी ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, दैट ट्रेवल्स, जो कि यात्रा करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी होम, और जिनका कोई घर भी नहीं होता, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खानाबदोश या बंजारे टाइप के आदमी, नोमैड, ठीक है, नोमैड, ठीक है, इसे याद करेंगे हम नोमैड से, ठीक है, मैड का मतलब है पागल, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल पागल होते हैं, मतलब उनको हम कहें कि यार ये घर रहो और ये घर लो और ये जो है हम तुम्हें खाने पीने की सारी सुविधाएं देते हैं, आराम से यहाँ पे रहो, वो क्या बोलेंगे, वो बिल्कुल मेड, वो बोलेंगे नो वी विल ट्रैवल, हम तो घूमना चाहते हैं, ठीक है भाई घूमो, तो तुम्हें क्या बोल देते हैं, हम तुम्हें बोल देते हैं नोमैड, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये शब्द को हम ध्यान रखेंगे, हाँ भाई ये नोमैड है, नोमैड है, नोमैडिक, नोमैड से बनता है नोमैडिक,
जो खानाबदोशी जीवन जीता है उसको बोल दिया नोमैडिक, ठीक है, तो नोमैड कि नहीं नहीं यार हम तो पागल हैं, हम तो जो है घूमेंगे ही, हम तो जो है घर बसाएंगे ही नहीं, तो नोमैड खानाबदोश। नेक्स्ट देखते हैं 430, समथिंग दैट हैज़ अ हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स एज एंड क्वालिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा? क्योंकि उसकी एज के कारण, ठीक है ना, मतलब और क्वालिटी के कारण, मतलब एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत पुरानी पड़ गई होती है चीज़, तो ठीक है ना, मतलब क्वालिटी अच्छी है और एक बहुत पुरानी है, तो इस कारण जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। जैसे कि क्या होता है, शराब होती है, ठीक है, शराब के बारे में कहा जाता है कि जितनी पुरानी हो ना शराब, ठीक है, जितनी उम्र गुजर गई हो उसकी, जितनी एज हो गई हो, उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। तो एंटीक जो अल्कोहल होती है ना, हमारी बोतल एंटीक अल्कोहल की बोतल होती है, वो बड़ी अच्छी होती है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एंटीक, यहाँ एंटी वो मत समझ लेना एंटी का मतलब लड़ाई, यहाँ एंटी का मतलब लड़ाई नहीं, बस इस तरह से कभी कभी जो है कहीं कहीं बिल्कुल बहुत ही रेयर केस में आते हैं, लेकिन जो है अपवाद आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। या एंटिक का मतलब, एंटिक बहुत एक कॉमन शब्द है, अगर आपको नहीं पता ना इसलिए लग रहा होगा कि नया है, कि अरे यार ये तो काफ़ी एंटिक पीस लग रहा है यार, काफ़ी अच्छी एंटिक आइटम है यार। एंटिक का मतलब है एक जो पुरानी चीज़ है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो एक शब्द और यहाँ पर जोड़ लो, हम पिछली सीरीज में कर चुके हैं उसे, उसका मतलब होता है ऑब्सोलीट, OBSOLETE। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज़, ऑब्सोलीट का मतलब भी प्राचीन ही होता है, लेकिन ऐसी प्राचीन चीज़ जो अब जर्जर हो गई हो, जीर्ण शीर्ण हो गई हो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल खत्म होने वाली हो, ठीक है। अंतर क्या है ऑब्सोलीट और एंटीक में? क्यों? क्योंकि ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं आपके साथ में, ठीक है। ऑब्सोलीट और एंटीक में ये अंतर है, दोनों ही चीज़ें पुरानी होती है लेकिन एक की पुरानी होने के कारण वैल्यू बढ़ जाती है, एंटीक की वैल्यू बढ़ जाती है, और ऑब्सोलीट ऐसी वस्तु होती है जिसकी पुरानी होने के कारण वैल्यू घट जाती है, ठीक है। जैसे आपके कपड़े हैं पुराने हो गए तो क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट कहेंगे। कैसे याद किया था उन्हें? ऑब्सोलीट को अब सो लेते हैं, अब थक गए, अब जीर्ण शीर्ण हो गए, अब सो लेते हैं, तो ऑब्सोलीट को याद किया था हमने इस तरह से। आपके कपड़े पुराने हो गए, जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, तो ये ऑब्सोलीट हो गए। लेकिन हमें पता चले कि गांधी जी का चरखा हमें मिला है कहीं से, ठीक है, तो गांधी जी का चरखा एक तो पुराना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी के कारण किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, वो प्राचीन होने के कारण जो है वो एंटिक पीस में आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना है, ठीक है, कि एंटिक क्या है और ऑब्सोलीट क्या है। दोनों का मतलब प्राचीन होता है, जीर्ण शीर्ण चीज है ना, लेकिन ऑब्सोलीट का मतलब है जीर्ण शीर्ण, ठीक है, एंटिक का मतलब जीर्ण शीर्ण नहीं है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है, कि एक की वैल्यू जो है पुराने होने के कारण बढ़ जाती है और एक की वैल्यू पुराने होने के कारण घट जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो एक इस ट्रिक को भी ध्यान देना है हमें, ठीक है। जब कोई मिलते जुलते शब्द मिले ना हमें, तो उनमें क्या अंतर जो है बारीकी से समझ लेने चाहिए। जैसे दो तीन शब्द मिलते जुलते से मिल जाए ना, तो उनमें क्या है बारीकी से अगर हम अंतर समझ लेते हैं ना, तो फिर उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो याद हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे जब चलते जाएंगे ना, तो कई ट्रिक्स हमारे हाथ में आएंगी, उनको जो है बहुत संभाल के रखना है। नेक्स्ट है 431, चेन ऑफ डेकोरेटिव फ्लावर्स, ठीक है। एक चेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर की सजावट के फूल लगे होते हैं, डेकोरेटिव मतलब सजावटी फूल लगे होते हैं, तो उस चेन को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बंधनवार, जो अपने घरों में बांधी जाती है ना दरवाजों के ऊपर या घर के चारों ओर, तो उसे कहते हैं बंधनवार या तोरण। तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसे बोलते हैं फेस्टून, ठीक है। कैसे याद रखेंगे हम इसे? फेस्टिवल पे जो तान दी जाती है, फेस्ट FEST, तो इसका मतलब हो गया फेस्टिवल और तून से तान, फेस्टिवल पे तान दी जाती है उसे हम बोलते हैं फेस्टून, बंधनवार, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 432, डेकोरेटिव हैंगिंग लाइट्स फ्रॉम ए सीलिंग। सीलिंग जो होती है ना, वो होती है छत, छत का नीचे का हिस्सा। एक तो ऊपर हो गया छत का हिस्सा, ठीक है, और एक है छत का नीचे का हिस्सा, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं कमरे में बैठ के, जिस हिस्से को हम देख सकते हैं छत को उसे कहते हैं सीलिंग, और जिस छत के हिस्से को जो हम नहीं देख सकते, जो ऊपर की तरफ होता है जिस पे सूरज की किरणें पड़ती, उसे बोलते हैं रूफ। तो एक इस बेसिक डिफरेंस को ध्यान में रखना कि रूफ क्या है और सीलिंग क्या है। रूफ जो है ऊपर का हिस्सा और सीलिंग जो है छत के नीचे का हिस्सा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेकोरेटिव हैंगिंग लाइट्स, डेकोरेटिव मतलब सजावटी, हैंगिंग मतलब लटकती हुई, हैंगिंग लाइट्स सजावटी जो लटकती हुई लाइटें होती हैं जो कि छत की सीलिंग से लटकी हुई होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो क्या है कि बड़े बड़े जो घर होते हैं ना, तो उनमें देखा होगा आपने, बिल्कुल एक हॉल है और हॉल में जो है बीचों बीच लाइटें लटक रही हैं, मतलब ठीक है, एक बड़ा सा बहुत ही बड़ा गोलाकार सा, उसमें जो है कई तरह के बल्ब जल रहे हैं, कई तरह से लाइटें जल रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं झूमर, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम शैंडलियर। देखो CHANDELIER, चांदलियर सा लग रहा है लेकिन पढ़ते हैं इसे शैंडलियर, ठीक है। कैसे याद रखेंगे इसे? इसे याद रखेंगे कि हमने शैंडलियर लगा दी या चांदलियर लगा दी, तो चांदनी छा गई हमारे कमरे में या हमारे हॉल में या हमारे घर में, ठीक है। तो मतलब क्या होती है, वो एक झूमर टाइप की होती है, तो हमने जो है चांदनी छा गई हमारे घर में। क्यों छा गई? क्योंकि हमने चांदलियर लगा दी। इस तरह से स्पेलिंग भी याद रहेगी इसकी, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? शैंडलियर। तो इस तरह से ध्यान रखना, और दोनों का डिफरेंस भी ध्यान रखना कि फेस्टून क्या है और शैंडलियर क्या है, ठीक है।
फेस्टून में तो क्या है, हमारे फ्लोवर लगाते हैं हम, या विभिन्न प्रकार के कोई कागज हो सकते हैं रंग बिरंगे, उनको लगाते हैं। और शेंडलियर में क्या लगाते हैं, लाइट लगाते हैं। और शेंडलियर को कहाँ लगाते हैं, घर के बीचों बीच लटकाई जाती है कमरे के बीच में छत के माध्यम से। और फेस्टून को कहाँ बांधा जाता है, घर के चारों ओर या कमरे के चारों ओर। तो ये दोनों में अंतर है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 433। स्पेशल व्हीकल यूज्ड फॉर कैरिंग ए डेड बॉडी इन ए कॉफिन टू फ्यूनरल। एक विशेष प्रकार का वाहन जिसका कि यूज किया जाता है फॉर कैरिंग, ले जाने के लिए एक डेड बॉडी यानी कि लाश को ले जाने के लिए, इन ए कॉफिन। अब देखो कॉफिन क्या होता है, कॉफिन भी वन वर्ड बनता है, COFIN है ना कॉफिन। कॉफिन क्या होता है, एक बक्सा होता है जिसमें डेड बॉडी रख के ले जाते हैं ना। आपने देखा होगा ईसाइयों में क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो अक्सर जो है क्या करते हैं, एक बक्सा होता है, उस बक्से में आदमी की लाश रखी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, तो उस बक्से को बोलते हैं कॉफिन। और फिर उसको ले जाके ले जाया जाता है फ्यूनरल पे। फ्यूनरल मतलब जहाँ पे बिल्कुल उसका अंतिम क्रिया की जाएगी। अंतिम क्रिया मतलब वहाँ पे उसको रख दिया जाएगा, मिट्टी विट्टी डाल दी जाएगी और वहाँ पे एपिटाफ लगा दिया जाएगा, समाधि लगा दी जाएगी। तो जिस वाहन में लेके जाते हैं उसे वहाँ तक, उस वाहन को क्या बोलते हैं, उस वाहन को बोलते हैं हियर्स, HEARSE। आप पढ़ो इसे हियर्स है, मुर्दा ले जाने की गाड़ी। कैसे याद रखेंगे इसे, कि कोई व्यक्ति है अब जो सुनने से गया, पीछे आ रहा है इसमें ऐसे ही से, और हियर मतलब सुनना, अब नहीं सुन पाएगा वो कभी, क्यों, क्योंकि अब वो मर चुका है, हियर से सुनने से गया, अब मुर्दा हो चुका है। तो इसको गाड़ी में पटको, हियर से में पटको इसे, और हियर से में पटक के इसे ले जाओ, ठीक है। तो हियर्स, हियर्स का मतलब मुर्दा ले जाने वाली गाड़ी, इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 434। टू किल समवन फेमस और इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पर्पस। टू किल समवन फेमस और इम्पोर्टेंट पर्सन, कोई भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो सकता है या जो है प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है, उसे किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते मार देना, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम असैसिनेशन। इंदिरा गांधी की हत्या जो है एक असैसिनेशन था, यानी कि एक राजनीतिक हत्या थी, ठीक है। तो इस तरह से जब पॉलिटिकल पर्पज के तहत हत्याएं होती है ना, या राजनेताओं की हत्या होती है, उसे पर्टिकुलरली हम असैसिनेशन कहते हैं, ठीक है। अखबारों में जो है जनरली आता ही रहता है ये वर्ड, ठीक है। कैसे याद रखेंगे इसे, वैसे तो मैंने एक आपको आप ही को इतना अच्छा एग्जांपल दिया है ना इंदिरा गांधी का, ठीक है, कि उनकी जो है राजनीतिक हत्या की गई थी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, असैसिनेशन बोलेंगे, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई थी, ठीक है। और इसको इजी करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, कि एस का मतलब गधा, फिर दूसरे का मतलब भी गधा, ठीक है। अब देखो ये जो नेता होते हैं, इनमें आप बोल सकते हो कि कुछ को छोड़ दिया जाए, है ना, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर जो है गधे टाइप के नेता होते हैं, ठीक है। तो उन गधे टाइप के नेताओं की जो है हत्याएं होती रहती है नेशन में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे राजनीतिक हत्या, ठीक है। आस आस गधे गधे, और नेशन में उनकी हत्याएं हो रही हैं, ठीक है। चाहे जाए छुट भैया नेते हैं, उनकी हत्याएं हो रही। तो इस तरह से याद रख सकते हो, आस आस और नेशन, गधे गधे, गधे गधे को मार डाला, तो इस तरह से जो है राजनीतिक हत्या। नेक्स्ट देखते हैं 435। द सेट ऑफ आइडियाज और मॉरल बिलीव्स। सेट ऑफ आइडियाज, एक सेट होता है मतलब हमारे विचारों का, या फिर मॉरल बिलीव्स। मॉरल बिलीव्स का मतलब क्या होता है, नैतिक विश्वास क्या है हमारे, उनका सेट हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब कैसे हम जो है हमारे नीति के नियम क्या हैं, मतलब ठीक है व्यवहार किस तरह से करेंगे हम, ठीक है, समाज में रह रहे हैं तो किस तरह से समाज में जो है हमारा व्यवहार होगा, ठीक है, क्या हमारे विश्वास होंगे। तो उनको बोलते हैं ईथोस, लोकाचार, ठीक है। लोगों के अंदर जो आचरण करने की विधियाँ हैं उनको बोलेंगे लोकाचार, लोग के आचार विचार कैसे हैं, लोकाचार, इथोस। कैसे याद रखेंगे इसे, एक शब्द मैंने बताया था आपको, ETHNOS, इथनोस, इथनोस या ETHN, इस शब्द को याद रखो आप, ETHN, इथन, इथन या इथनोस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मानव की प्रजाति से संबंधित शब्द, मानव की प्रजाति से संबंधित, जहां भी आएगा ना तो इसका मतलब है कुछ मानव की प्रजाति से संबंधित बात हो रही है। तो यहाँ इथोस का मतलब क्या है, यहाँ मतलब है कि मानव की प्रजाति से संबंधित उनके आचरण कैसा होता है, कोई मानव की प्रजाति है उसका आचरण कैसा होगा, लोगों के बीच में बैठ के वो कैसे आचरण करेंगे, ठीक है। तो इस रूट वर्ड से याद रखना ETHN, इथन, ठीक है। इथन का मतलब क्या होता है, मानव प्रजाति, ठीक है। इथनोस मतलब मानव से संबंधित, ठीक है। तो ये इथोस यानी कि मानव से संबंधित लोकाचार। नेक्स्ट देखते हैं 436। द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इन नेचर। ये मानना, ऐसा विश्वास करना कि ईश्वर जो है सारी प्रकृति में समाया हुआ है, या प्रकृति में जो भी दिखाई देता है ना हमें, वो सब ईश्वर है, ऐसा विश्वास, इस विश्वास को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस विश्वास को कहते हैं पेंथेइज्म, सर्वेश्वरवाद। मतलब जो भी दिखाई दे रहा है हमें सृष्टि में, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी, इन सब में ईश्वर है, ठीक है। तो इस प्रकार का विश्वास कहलाता है पेंथेइज्म, सर्वेश्वरवाद। अब देखो थीज्म हमने काफ़ी पढ़ी लिया, थीज्म, थीस्ट, अथीस्ट, पहले पिछली सीरीज में पढ़ चुके हैं ना हम सारे, हाँ। तो थीज्म का मतलब क्या होता है, ईश्वर को मानने का वाद, ISM, इज्म, इज्म का मतलब होता है वाद। और ये दस है मैंने बता रखा है ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं हम, थीज्म।
तो थीज मतलब ईश्वर को मानने का बात, और पेन का मतलब यहाँ समझो पान, पान की दुकान है, वो पूरे इंडिया में मिल जाती है कहीं भी, यानी कि हर जगह मिलती है, हर जगह सर्व हर जगह पाई जाती है। तो पेन थीज का मतलब ऐसा ईश्वर का सिद्धांत कि ईश्वर जो है हर जगह पाया जाता है, हर जगह मिलता है ईश्वर, जैसे पान की दुकान हर जगह मिलती है, ऐसे ईश्वर सर्वे सर्वा है, सर्वेश्वरवाद। तो ये हो जाएगा पेंथेइज्म। नेक्स्ट देखते हैं 437, समवन हु शोज ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि दिखाता है, हु शोज ग्रेट अटेंशन, ग्रेट अटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना, टू डिटेल्स मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे बिल्कुल बहुत बड़े तरीके से ध्यान देना, और करेक्ट बिहेवियर या आपका बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब जैसे बिहेवियर कि नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, आपकी टांग नीचे होनी चाहिए, कुर्सी पे बैठे हो तो सीधे बैठो, आप अपने हाथ को ऐसे रखो वैसे रखो, मतलब जो छोटी छोटी बातों को जो है बहुत ज़्यादा माइंड करता है, बहुत ज़्यादा देखता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये आप लिख रहे हो तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं तुम्हारी लाइन आड़ी जा रही है, ये सीधी जानी चाहिए, ये अक्षर छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, इस तरह से जो एक एक डिटेल पर गौर करता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पंक्चिलियस, जरूरत से ज़्यादा शुद्धता बरतने वाला आदमी, ठीक है। अब देखो, और पाबंद भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। अब पाबंद क्यों बोलते हैं, एक शब्द होता है पंक्चुअल, पंक्चुअल PUNCTUAL, पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है कि हाँ यार वो तो समय के पंक्चुअल है यार, ठीक है ना, यानी कि वक्त के पाबंद है। तो पंक्चुअल से क्या बन गया, पंक्चिलियस, जो वक्त का पाबंद हो। पंक्चुअल का मतलब तो हो गया कि जो समय पे पहुंचना, ठीक है ना, जो पहुंच जाता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं पंक्चिलियस। तो इस टाइप का जो व्यक्ति होगा ना, मतलब तो वो क्या है, हमेशा जो है बहुत ही बारीकी से काम करेगा अपना, कि जो समय पे भी बिल्कुल टाइम से पहुंच रहा है, तो दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं नहीं घड़ी में देखो पूरे कांटे, ये देखो 10:05 हो गए, तुम 2 मिनट लेट हो, तुम 3 मिनट लेट हो, नहीं नहीं तुम्हें इतना लेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो हरकतें करता है वो व्यक्ति पंक्चिलियस। तो इसे पंक्चुअल से याद रखेंगे, पंक्चुअल का मतलब पाबंद, पंक्चुअल से बनाए पंक्चिलियस। तो इस तरह से ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं 438, ए सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, एक गुप्त धार्मिक और सभा। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कॉन्वेंटिकल। कैसे याद रखेंगे इसे, इसे याद रखेंगे हम कॉन्वेंट से, CONVENT। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्वेंट का मतलब होता है लोगों का एक जगह पे एकत्रित होना, ठीक है, एक असेंबली जब होती है ना लोगों की, जब लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेंट, कॉन्वेंट, और उसी से बना है कॉन्वेंटिकल, गुप्त धार्मिक सभा, ठीक है। मठ जो होते हैं ना, मठ जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं या साधु संन्यासी रहते हैं, उनको भी कॉन्वेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं ना कॉन्वेंट स्कूल, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके अपना वो जो है पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए उसे कॉन्वेंट बोलते हैं, होते हैं ना स्कूल, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल। तो कॉन्वेंट को पकड़ के रखना है, कॉन्वेंट का मतलब है लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्वेंट, ठीक है। तो कॉन्वेंट से बन गया कॉन्वेंटिकल। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इस शब्द को। नेक्स्ट देखते हैं 439, वन हु इज वेरी काइंड और जेनरस स्पेशली टुवार्ड्स ए राइवल। राइवल का मतलब होता है विरोधी या विपक्षी। वन हु इज वेरी काइंड, कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत दयालु है, जेनरस का मतलब बहुत ज़्यादा दयालु होना, स्पेशली टुवार्ड्स ए राइवल, ठीक है, इतना दयालु है कि वो जो है अपने विपक्षी के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा दया दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, मतलब बहुत ज़्यादा उदार होना, तो उसे हम बोलते हैं हद से ज़्यादा उदार होना, ठीक है भाई। उदार के लिए तो जेनरस हो ही गया शब्द, लेकिन बहुत हद से ज़्यादा उदार जब हो व्यक्ति तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैग्नानिमस, MAGNANANIMUS, मैग्नानिमस। अब यहाँ पे थोड़े से देख लेते हैं शब्द को, एक शब्द पकड़ लो, मेघना आ रहा है ना इसमें, हाँ मेघना, मेघना को ही पकड़ लो चाहे तो, ठीक है, या फिर इस शब्द को पकड़ो आप MAGN, इस शब्द को अंडरलाइन कर दो MAGN, जहाँ भी MAGN दिख जाए आपको, इसका मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, इसका मतलब होता है विशाल, जब भी किसी विशाल, जैसे मैग्निफिशेंट होता है, ठीक है, मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है, अरे यार बहुत ज़्यादा शानदार जब चीज़ दिख जाती है ना, तो उसे बोलते हैं मैग्निफिशेंट, लग गया ना उसमें भी आगे, क्या लग गया, MAGN लग गया, ठीक है। एक शब्द होता है मैग्निलोक्वेंस, ठीक है, मैग्निलोक्वेंस, ठीक है, आगे आएगा उसे तब देखेंगे, उसमें भी MAGN आता है। इस तरह के मतलब कुछ शब्द हैं, मतलब जिनमें MAGN आगे आ गया तो इसका मतलब हो गया विशाल। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, एक शब्द मैंने बताया आपको पिछली सीरीज में, बता चुका हूँ एनिमस, ANIMUS, इसी शब्द के जो है ना आप नोट करते जाओ, और इसको भी नोट करो, इनको ये जो रूट वर्ड्स आते हैं ना इन्हें नोट किया करो, तो नोट करो एनिमस, ANIMUS। एनिमस का मतलब क्या होता है, एनिमस का मतलब होता है मन, ठीक है, माइंड, या फिर स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट मतलब जोश, या फिर आत्मा, सॉल, SOUL, ये सब एनिमस के मीनिंग है, ठीक है, या फिर जीवित होना व्यक्ति का, तो उसके लिए लगाते हैं हम एनिमस। अब इसी एनिमस शब्द से बना है एनिमेशन, होता है ना एक एनिमेशन,
ठीक है। एनिमेशन का मतलब क्या, चलती फिरती मूवीज जो होती है ना, एनिमेटेड मूवीज आती हैं, क्यों बोलते हैं उन्हें एनिमेटेड मूवी, वो बना है एनिमस से। एनिमस का मतलब होता है सॉल या स्पिरिट, ठीक है। एक शब्द होता है यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब क्या होता है, यूनैनिमस का मतलब होता है एकमत होना, UNANI, यूनैनिमस, MOUS, यूनैनिमस का मतलब एकमत होना। क्यों, क्योंकि एनिमस जहाँ माइंड है या जो आत्मा है आपकी वो बिल्कुल एक हो चुकी है, एकमत हो चुकी है, इसलिए उसे क्या बोल दिया हमने, यूनैनिमस, ठीक है। तो देख रहे हो एनिमस से क्या क्या शब्द बन रहे हैं। एक और शब्द लिखो एनिमोसिटी, ANIMOSITY, एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता। अब आप कहोगे ये एनिमस से बना है लेकिन इसका मतलब शत्रुता कैसे हो रहा है, शत्रुता इसलिए हो रहा है, एनिमस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, एनिमस का मतलब है स्पिरिट या फिर सॉल। तो कभी कभी ये देखो एनिमोसिटी कैसे बन गया एनिमस से, ऐसे हो गया ये कि जिसमें स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया, मतलब इतना जोश आ गया कि लड़ भिड़ बैठा, या मन उसका जो है इतना ज़्यादा मन से भर गया, वो इतनी ज़्यादा सॉल हो गई उसकी, इतना ज़्यादा तेज या इतना ज़्यादा आक्रामक हो गया कि जो है दुश्मनी में परिवर्तित हो गया, वो तो एनिमोसिटी हो गया। तो इस तरह से देखो वो एनिमस से ही बनाया वो शब्द। तो इस तरह से ये सारे शब्द क्लियर हुए आपको, ठीक है। तो एनिमस ध्यान रखना। तो अब जैसे मान लो कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो आपको पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी, तो ऐसे रूट वर्ड खोजो, उनको पकड़ने की कोशिश करो कि कहीं MAGN दिख जाए तो इसका मतलब समझ लो कुछ विशाल चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शनों को डिलीट करो। तो इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा ट्रिक अप्लाई करोगे ना तो अपने आप जो है चीज़ें सरल होती चली जाएंगी। अब देखो इसे मैग्नानिमस को, तो MAGN इसका मतलब हो गया विशाल, और एनिमस का मतलब हो गया कोई जीवित व्यक्ति या कोई अच्छी आत्मा, ठीक है। तो मैग्नानिमस इसका मतलब पूरा मतलब हो गया उदार। आ गया, अब तो बिल्कुल क्लियर रहेगा ना। या तो यहाँ हमने दो रूट वर्ड देखे, एक तो MAGN मैग्न, एक एनिमस ANI MUS एनिमस, ठीक है। एनिमस से ही हमने एनिमोसिटी बनाया, एनिमस से ही हमने यूनैनिमस बनाया, और एनिमस से ही हमने क्या बनाया, और क्या बनाया, एनिमेशन, एनिमेटेड मूवी। नेक्स्ट देखते हैं 440, समवन हु इज किल्ड फॉर हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, कोई भी व्यक्ति जिसको कि मार दिया जाता है, समवन हु इज किल्ड, जिसे मार दिया जाता है फॉर इज रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, ठीक है। मतलब वो एक कोई व्यक्ति है जिसका कोई राजनीतिक सिद्धांत था या कोई धार्मिक सिद्धांत था, उसे किसी कारणवश मार दिया जाता है या शहीद हो जाता है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम शहीद बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्टियर, ठीक है। मर गया जो, ठीक है, MAR, ठीक है ना, मर टायर, मर गया, ठीक है, MAR, इसको पकड़ लो शब्द को, मार्टियर। और वैसे कॉमन शब्द है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना थोड़ा भी, तो चाहे जब भी आता रहता है, जब भी हमारे देश के जवान जो शहीद होते हैं तो उनके लिए हम मार्टियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक तो मरने से याद रखना MAR आ रहा है इसके अंतर्गत, और थोड़ा याद रखना कि एक जनरल शब्द है, ये तो पता होना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं 441, ए पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज, कोई भी व्यक्ति जो कि भाषा का अध्ययन करता है, ठीक है, एक साइंटिफिक वे में, ठीक है ना, इसमें साइंटिफिक और नहीं जुड़ा, एक साइंटिफिक तरीके से जो है कोई भी भाषा का जब अध्ययन करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाषाविद, भाषा का जानकार, लिंग्विस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो 442, ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाएं बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉली ग्लॉट, पॉली का मतलब क्या हो गया, बोलना, ठीक है। एक शब्द होता है, हाँ उसे बाद में देखेंगे, अभी इसे ही देखो आप, ठीक है, पॉली ग्लॉट देखो। हाँ पॉली का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है, सॉरी सॉरी, पॉली का मतलब बोलना नहीं है, पॉली का मतलब होता है काफ़ी सारा, बहु, पॉली का मतलब मैनी, MANY, पॉली मतलब मैनी, ठीक है। तो जो कई भाषाएं बोलने में सक्षम है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अब ये दोनों शब्द जो है बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ आ जाते हैं और दोनों हमेशा ऑप्शन में मिलते हैं हमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लिंग्विस्ट है ना शब्द, ये लिंग्विस्ट क्या है, प्राचीन समय में तो हम सिर्फ उसे ही कहते थे लिंग्विस्ट जो सिर्फ भाषा की जानकारी रखता था, ठीक है, जो सिर्फ भाषा में इंटरेस्टेड होता था, मतलब कि इस भाषा का विकास कैसे हुआ, ये भाषा जो है कितनी पुरानी है, इस भाषा का फोनेटिक्स क्या होता है, इस भाषा में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि भाषा की स्टडी करता था वो पूरी की पूरी, ठीक है, ये भाषा और भाषाओं से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या है, कई डिक्शनरीज में हमें मिलता है कि लिंग्विस्ट उस व्यक्ति को भी कहते हैं जो काफ़ी सारी भाषाएं बोल सकता है, इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस, तो उसे हम लिंग्विस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन देखना होगा, लिंग्विस्ट उसे भी बोलते हैं हम आज की डेट में, ठीक है, तो थोड़ा समझना होगा आपको। लेकिन मैंने आपको बेसिक डिफरेंस समझा दिया कि लिंग्विस्ट है भाषा का जानकार, अब वो सिर्फ एक ही भाषा का हो सकता है या हो सकता है कई भाषाओं का भी हो, और पॉलीग्लॉट का मतलब है जो काफ़ी सारी भाषाएं बोल सकता है, ठीक है। अब ये इसको बोलना आता है लेकिन इसे व्याकरण नहीं पता पूरी भाषा की, कि कौन सी भाषा का विकास कब हुआ या कौन सी भाषा किससे रिलेटेड है या इसमें जो है इस भाषा के नियम क्या है, पूरे व्याकरण के नियम क्या है, ये सबसे नहीं पता, लेकिन वो बोलना जानता है मतलब, ठीक है, तो उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब आपके ऑप्शन में ये क्वेश्चन वगैरह आता है,
ठीक है। तो लिंग्विस्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लिंग्विस्ट भी हम किसे बोलते हैं, ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। अब मानो ये आया आपको प्रश्न आता है ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज और पॉलीग्लॉट वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ लिंग्विस्ट दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिंग्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर ये प्रश्न आता है ए पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस इन ए साइंटिफिक वे और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, लिंग्विस्ट भी दे रखा है पॉलीग्लॉट भी दे रखा है, तब हम क्या लगाएंगे, लिंग्विस्ट लगाएंगे। ठीक, तो इन दोनों का शब्द मैंने बता दिया, दोनों शब्दों का अर्थ आपको बता दिया। ठीक है, अगर सिर्फ वो ऐसे बोलता है कि हाँ बहुभाषाओं बोलने वालों को, तो वहाँ पे पॉलीग्लॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना है कि लिंग्विस्ट भी जो है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया क्या है, तो अब आपको क्वेश्चन को समझना है ठीक तरह से और उसका आंसर देना है। और इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में होना भी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दिया, तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं मुझे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 443। ए चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट टेकिंग परमिशन। कोई भी बच्चा जो कि स्कूल में नहीं आता, ठीक है, या स्कूल से बचने का प्रयास करता है, स्कूल से दूर रहता है विदाउट टेकिंग परमिशन, बिना परमिशन लिए, ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं ट्रूएंट। ठीक है, गैर हाजिर रहने वाला। कैसे याद रखेंगे हम इसे, देखो आंट, ए एन टी, एंट का मतलब होता है चींटी और आइस में आगे आ रहा है ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू, ट्रू का मतलब ये तो सच्ची बात है कि जो चींटियाँ जो होती हैं वो अपने घर में नहीं टिकती, हमेशा बेचारी खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है, तो उन चींटियों की तरह ही होता है वो ट्रूएंट नाम का जो बच्चा होता है ना, वो भी अपने घर में टिकता नहीं है, मतलब ठीक है ना, मतलब स्कूल में नहीं टिकता है वो। ठीक है, विद्यार्थी का घर कहाँ है, विद्यार्थी का मेन घर होता है स्कूल, बिल्कुल वहाँ नहीं टिकेगा वो, बस इधर उधर भागता फिरेगा बिल्कुल चींटियों की तरह, ये बिल्कुल सत्य बात है ट्रू एंट। तो ट्रू एंट बिल्कुल ट्रू आंट, चींटियों की तरह होता है, तो इस तरह से इसको जोड़ के याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 444। इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, कोई जो म्यूजियम होता है ना, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, तो उसका जो इंचार्ज व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत मतलब जो उसका मुखिया होता है, उसे हम बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर। कैसे याद रखेंगे इसे, कि जब हम म्यूजियम में जाते हैं ना, तो हमारी काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी का मतलब काफ़ी सारी जिज्ञासा होती है हमारी, काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं हम, तो हमारी क्यूरियोसिटी को कौन शांत करेगा, क्यूरेटर। ध्यान रहेगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, म्यूजियम में जाने पे क्यूरियोसिटी उठती है, क्यूरियोसिटी को कौन शांत करता है, क्यूरियोसिटी को शांत करता है क्यूरेटर। नेक्स्ट देखते हैं 445। फीलिंग शॉक्ड ड्यू टू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अचंभित रह जाना, फीलिंग शॉक्ड, अचंभित रह जाना ड्यू टू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कि हमने जो है अपेक्षा नहीं की थी, कुछ ऐसा हो जाए, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, अपेक्षा करना, और अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाए अचानक जिसकी हमने आशा नहीं की थी, तो क्या रह जाते हैं, हम हक्के बक्के रह जाते हैं, उसी हक्के बक्के रह जाने को बोलते हैं फ्लैबरगैस्टेड। फ्लैबरगैस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सिनोनिम और एंटोनिम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसे, इसे हम इस तरह से याद रखेंगे कि लेबर जो है, लेबर वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम कर रही थी, और अचानक गैस हो गई, गैस लीक हो गई और सारे के सारे मर गए, जब हमने देखा तो हम जो है अक्के बक्के रह गए, हे भगवान ये क्या हुआ, अचानक गैस निकली और सारी की सारी लेबर मर गई। ठीक है, लेबर समझ रहे हो ना, तो उस तरह से याद रखना इसे, लेबर और गैस से याद रखेंगे इस शब्द को, पूरा तोड़ दिया ना दो तीन भागों में, बस हो गई इसकी सर्जरी पूरी, लेबर और गैस से याद रखेंगे इसे, कि हम भी वहीं थे, मतलब फैक्ट्री के आसपास ही थे, हमने देखा कि गैस लीक हुई और सारी की सारी लेबर जो है एक मिनट में ख़त्म हो गई उस गैस के मारे, तो ये सीन देख के हम अक्के बक्के रह गए, फ्लैबरगैस्टेड। ठीक है, तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 446। समथिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग कोई भी चीज़ दैट इज मिस्टीरियस, जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमय होती है, और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर जिसे समझना जो है बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ, मतलब बहुत कठिन होता है जिसे समझना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा रहस्य जिसे आसानी से न समझ सके हम। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनिग्मा। अब मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, जी हाल मस्ती मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, तो क्या क्या समझ में आया आपको इस नगमा में, ये नगमा गाया था मैंने, नगमा का मतलब होता है गीत। ठीक है, तो इस नगमे में मेरे ख्याल से आपको एक तो समझ में आया होगा, मस्ती समझ में आ गया होगा एक तो आपको, है ना, जी हाल मस्ती, हाँ मस्ती की बात हो रही है, और बेचारा आ गया होगा, है ना, बहाल हिजरा, हिजड़ा वो हो सकता है आपको लगाओ कि पता नहीं इसमें हिजड़ा क्या लेने आ गया है ना, और एक दिल समझ में आ गया होगा आपको, बाकी तो कुछ समझ में आया नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिहाल मस्ती मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है। ठीक है, तो ये नगमा ऐसे ही होते हैं, इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, बड़े मिस्टीरियस होते हैं ये। ठीक है ना, आसानी से पूरा दिमाग लगा के समझना पड़ता है। ठीक है, तो नगमा एनिग्मा होता है पूरा, नगमा का मतलब क्या होता है, गीत, इसमें निगमा आ रहा है ना, NIGMA। ठीक, तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि है तो ये निगमा लेकिन बड़ा एनिग्मा है। ठीक है, तो इस गाने को गाना और उस गाने को गा के याद करना कि यार ये एनिग्मा, ये नगमा क्यों गाया हमने, इसलिए गाया क्योंकि ये एनिग्मा था पूरा, आसानी से समझ में नहीं आ रहा था।
तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 447, साइंस डीलिंग विथ द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। कोई भी साइंस जो कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती है उसे क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान, साफ सफाई रखने के विज्ञान को इसे बोलते हैं हाइजीन। ये तो आपने सुना ही होगा, मतलब मेरे ख्याल से कॉमन वर्ड है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है, मिस स्पेल्ड में आ सकता है ना, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, हाइजीन। अब इसको थोड़ा सा याद इस तरह से रख सकते हो कि जीन जो है ना, हमारे जीन जो हमारे वंशाणु होते हैं उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए हमें, उनको जो है हाई बिल्कुल बिल्कुल ऊंचा अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल उनकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए, हाइजीन, जीन की साफ सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 448, ऑफ ए डिसीज और फिजिकल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ऑफ ए डिसीज, कोई भी बीमारी या फिर कोई शारीरिक अक्षमता, एबनॉर्मलिटी, ठीक है ना, नॉर्मल ना होना है ना, शारीरिक अक्षमता प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ जो कि जन्मजात होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी को पोलियो हो गया है, किसी का जो है ना पैर में दिक्कत है, ठीक है, ढंग से चल नहीं पा रहा है, तो क्या बोलेंगे कि यार ये कॉन्जेनिटल डिसीज है यार, इसके जन्म से ही है। कैसे याद रखेंगे इसे, याद रखेंगे हम जेनिटल से। कौन का मतलब होता है साथ में, है ना, काफ़ी जगह है ना, कौन का मतलब साथ में, जेनिटल का मतलब जेनिटल ऑर्गन होते हैं, जेनिटल का मतलब जनन से संबंधित होता है, जन्म से संबंधित जेनिटल ऑर्गन होते हैं, जैसे फीमेल जेनिटल ऑर्गन, मेन जेनिटल ऑर्गन, नर जनन अंग, मादा जनन अंग, ठीक है। तो जेनिटल का मतलब होता है आपके इन जेनिटल जो ऑर्गन होते हैं ना, मतलब जो जन्म के साथ ही मिलते हैं आपको ऐसे ऑर्गन, तो जेनिटल का मतलब क्या हो गया, जन्म से संबंधित है कुछ मामला, और कौन मतलब साथ में होना, यानी कि जन्मजात कोई चीज़ें होती हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं कौन जेनिटल, विशेषकर किसी बीमारी के लिए बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 449, एन अरेंजमेंट ऑफ ए फ्लावर इन ए सर्कुलर शेप। जब फूलों की एक माला बनाई जाती है ना, तो उस माला को क्या बोलते हैं, ठीक है, इन अरेंजमेंट, जब फूलों को सजा सजा के सर्कुलर शेप में सजा के एक माला बना देते हैं पुष्प का हार, तो उसे बोलते हैं रीथ, WREATH। एक शब्द नोट करो इसके बगल में ही, WREATH, मानो क्लोज टेस्ट में आया ना तो इन दोनों शब्दों को देगा, वर्ड में वन वर्ड में पूछेगा तो इन दोनों शब्दों को देगा, सिनोनिम में पूछेगा तो इन दोनों शब्दों को देगा। क्या है, हमारा मेन शब्द है रीथ जिसका मतलब होता है पुष्पाहार, WREATH, और मैंने कौन सा लिखवाया आपको, WREATH, रैथ, रैथ का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस को समझना और इस डिफरेंस से याद रखना इनको, WREATH, रैथ, रैथ, रोश, रोश से मिल रहा है ना, रैथ, रैथ डालूंगा साले, गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत भयंकर, रोश आ रहा है मुझे, रैथ, तो रैथ का मतलब तो गुस्सा, और रीथ का मतलब शांत हो गए थोड़े, रीथ, रीथ का मतलब पुष्पहार। तो इन दोनों के डिफरेंस से याद रखेंगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लिया हमने ठीक तरीके से, तो एक बार डिफरेंस क्लियर हो गया शब्दों में तो ये याद रहेगा, तो इस शब्द को इसके साथ ही नोट कर लो। नेक्स्ट, और ये लास्ट वर्ड है हमारा इस सीरीज का, एन इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक। जब कोई किताब होती है ना, तो उस किताब के प्रारंभ में क्या है, उसका परिचय दिया जाता है, थोड़ा सा लिखा जाता है कि इस किताब के बारे में क्या है, किससे संबंधित है, उसे बोलते हैं प्रस्तावना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीफेस। कैसे याद रखेंगे, प्री मतलब पहले, फेस मतलब चेहरा, किताब जो होती है उसका जो पहला पन्ना होता है, किताब का पहला पन्ना होता है, या किताब का जो चेहरा होता है, उस चेहरे पे पहले क्या छपा होता है, उस चेहरे पे पहले छपी होती है प्रस्तावना, पहले, प्री मतलब पहले, पहले पेज पे, पहले पन्ने पे, पहले चेहरे पे, प्री फेस, तो उसको हम बोलते हैं प्री फेस, ठीक है। अब पूरे की पूरे शब्द जो है एक बार फटाफट जो है स्पीड के साथ पूरे रिवाइज करो, हैकनेट, घिसा हुआ, मतलब हैक को कैसे याद किया था, घिसा पिटा कंप्यूटर, ठीक है, ग्रेचुटी, ग्रेटफुल से याद किया जाता है, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, दोनों में अंतर समझाता, फोनी, आजकल लोग बहुत फोनी हो गए, फोन पे बात करते हैं, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब कोई विरोधी में चला गया था, परस्पिकेसियस मतलब किसी ने हमारा पर्स पिक कर लिया था, ठीक है, जिसने भी पर्स पिक किया होगा उसकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण रही होगी, एम्बिगुअस, एम्बी आ गया था, मतलब दो या दो से अधिक अर्थ हैं इसके, नोमैड है ना, कोई पागल आदमी है, ठीक है, घरों में नहीं रहते, खानाबदोशों की तरह रहते, एंटीक मतलब ऐसी वस्तुएं जो कि जितनी पुरानी होती जाती है उनकी उतनी वैल्यू बढ़ती जाती है, फेस्टून मतलब फेस्ट पे जो है तान देते हैं बंदरवार, शेंडलियर मतलब शेंडलियर भी क्या होती है, लाइटों वाली जो है झालर होती है जो कि छत से लटकाई जाती है, इसके अलावा हियर से आया था, हियर से मतलब मुर्दा को ले जाने वाला सामान, ऐसे व्यक्ति को लेके जाती है वो गाड़ी जो कि अब सुन नहीं सकता, ठीक है, जो मर चुका है, एसेसिनेशन मतलब राजनीतिक हत्या, इथोस, ETHN से याद किया था, इथन का मतलब क्या होता है, प्रजाति से संबंधित होता है, तो उससे हमने याद किया था लोकाचार को, इसके बाद में पैंथीज़म आया था, सर्वेश्वरवाद, ठीक है, पान की दुकान हर जगह मिलती है, यानी कि गॉड जो है जो हर जगह पाया जाता है, तो पैंथीज़म, पंक्चुअलियस मतलब जो व्यक्ति पंक्चुअल रहता है, ठीक है, तो या फिर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देता है बात बात पे, ठीक है, कॉन्वेंटिकल मतलब एक जगह रहना लोगों का, गुप्त धार्मिक सभा, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होना, मैग्नानिमस मतलब जब